अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम है निशु खान। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने ही हैं तो बने रहिए। आज की वीडियो जो है वो मोस्ट 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 रिक्वेस्टेड वीडियो है। मरियम परवेज़ के प्रोडक्ट्स का रिव्यू करना है। आप लोगों ने बोला था फाउंडेशन का रिव्यू करें तभी हम ख़रीदेंगे। तो फाउंडेशन जो है वो कॉस्ट करती है 3600, डिलीवरी के साथ 3800। तो आप सब ने कहा थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, पैसे हम तब इन्वेस्ट करेंगे जब आप रिव्यू करेंगी। तो भाई मैंने ऑर्डर करा लिया, दिस इज़ नॉट अ पीयर पैकेज, ठीक है। मैंने खुद चीज़ें परचेज़ की हैं, और मैंने सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन नहीं मंगवाई, मैंने कुछ और चीज़ें भी मंगवाई हैं। आई पेड 12,700। यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूँगी। 12,700 रुपये मैंने इन तमाम चीज़ों की। अच्छा जी, तो ये रही वो तमाम चीज़ें। आई लैशेज हैं क्लासी एंड दिखती कुछ इस तरह से हैं। इनकी 3 टिंटेड लिप ग्लॉस है। पाउडर ब्लशेज जो है ना मैंने ट्राई नहीं किए थे, तो आई थॉट कि मैं ये मंगवा लेती हूँ। बहुत ही प्यारा शेड है क्रश। मैं सेटिंग स्प्रे भी मंगवाना चाह रही थी, लेकिन सेटिंग स्प्रे आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। फाउंडेशन की आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, ठीक है। एंड इसका नाम है लिक्विड ग्लास स्किन फाउंडेशन बाय मरियम परवेज़। इसमें SPF भी है 30, नॉर्मल टू हाई कवरेज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। एंड मैंने शेड मंगवाया है M1 और M3, मेड इन इटली। पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं, इधर की पैकेजिंग दिखा देती हूँ। जी तो इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस। मेरी जो क्या कहते हैं मैक्सी, उसके साथ मैचिंग मैचिंग ढकनी है इसकी। एंड ग्लास बॉटल्स हैं ये, ठीक है। यू विल गेट कितने ml इसमें नज़र नहीं आ रहा मुझे, कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है। अन्य है हम भाई, मेंशन तो होना चाहिए था, मे भी शायद वेबसाइट पे मेंशन होगा। जी तो आई लाइक द इनर पैकेजिंग, ठीक है। इसमें आता है ये पंप, एंड मैं आपको अभी स्वॉच करके दिखा देती हूँ। इट क्लेम्स के नॉर्मल टू हाई कवरेज देता है, ठीक है। हम जरा वेबसाइट खोलकर इसकी और भी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि लाइट वेट है, बिल्डेबल फार्मूला है, बैटरी टेक्सचर है, डजंट ऑक्सीडाइज, एडजस्ट परफेक्टली ऑन योर स्किन, SPF 30 एंड फॉर ऑल स्किन टाइप, टू द पॉइंट बात की गई है। सो लेट मी स्वॉच इट फर्स्ट फॉर यू गाइज, ठीक है। नीचे ये स्टिकर्स लगे हुए M1 एंड M3। यस, टेक्सचर बहुत ही लाइट लाइट सा है। दिस इज M1 एंड दिस इज M3। ये थोड़ा सा येलो अंडरटोन में है, दिस इज न्यूट्रल अंडरटोन में। दिस इज माय शेड, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्राइट है फॉर माय स्किन। इस साइड पे मैं प्राइमर लगा लूँगी। सो जनाब, ये वाली क्लिप मैंने 24 दिसंबर को रिकॉर्ड की थी। एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है वो गलती से डिलीट हो गया था, लेकिन जब मुझे ये फाउंडेशन रिसीव हुई थी तब से ही इस फाउंडेशन को मैं ट्राई कर रही हूँ, मैट प्राइमर के साथ, हाइड्रेटिंग प्राइमर के साथ, ब्रश के साथ, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। तो अब अपने थॉट्स शेयर करूँगी। अच्छा दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ देर बाद आप लोगों को रिज़ल्ट बताऊंगी फाउंडेशन का। सूरज ग़ुरूब होने वाला है, एंड यू कैन क्लियरली सी कि बहुत ठंड हो चुकी है। मेरे गेटअप से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बिकॉज निशु को सर में बड़ा दर्द होता है अगर मैं अपने सर को कवर नहीं करती या टोपी नहीं पहनती सर्दियों में तो। अच्छा सो ये वाली जो साइड है ना वो विदाउट प्राइमर वाली है, और ये वाली साइड जो है विद प्राइमर वाली है। आई हेट द विद प्राइमर वाली साइड, बिकॉज सारा कुछ ना विजिबल है, सब कुछ चिमट गया है। लेकिन ओवरऑल विदाउट प्राइमर द रिज़ल्ट इज़ वेरी वेरी नाइस। सेकेंड, येस इट डज़ गिव यू ग्लास स्किन वाला अफेक्ट, बट इट इज़ मोर लाइक अ फाउंडेशन विद मीडियम टू हाई कवरेज, ठीक है। सो ग्लास स्किन इज मतलब कोरियन टेक्निक को अगर हम फॉलो करें तो उनकी CC क्रीम, उनकी BB क्रीम, वो ग्लास स्किन प्रोवाइड करती है विद बहुत बहुत चुन्नू सी कवरेज, जो कि आपकी स्किन को इवन आउट कर देती है विद माइंड ब्लोइंग ग्लो, ठीक है। बट इट इज़ थिक एज़ कम्पेयर टू द CC क्रीम एंड BB क्रीम, एंड इट डज़ गिव यू कवरेज, ठीक है। ये आपने बात माइंड में रखनी है। इट इज़ अ फाउंडेशन, ठीक है। आप इसको पार्टीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हो, शादियों वगैरह में यूज़ कर सकते हो। इसको मैं एक दो बार और भी यूज़ करूँगी। ये वीडियो इज़ नॉट माई फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है, अबाउट द फाउंडेशन, बिकॉज आई हैव टू यूज़ इट 2-3 बार और, एंड देन मैं अपने फाइनल थाट्स आप लोग को बताऊँगी, बिकॉज आई हैव टू यूज़ इट विद अ ब्रश, आई हैव टू यूज़ इट विद अ हाइड्रेटिंग प्राइमर, आई हैव टू यूज़ इट विद अ
इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, ठीक है, एंड देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सो फार सो गुड, इफ़ यू शुड और मस्ट इन्वेस्ट या नहीं. फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र करें. ओवरऑल आई लाइक दिस साइड, सनलाइट में मैं दिखा रही हूँ. अभी जो है 4:30 बज रहे हैं कि 4 बज रहे हैं, एंड मैंने इसको 1 बजे अप्लाई किया था. ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, राइट, एंड यू कैन क्लियरली सी, ये देखो जहाँ प्राइमर लगा है ना बिल्कुल ही चिमट चुमट गया है. बट इट वॉज अ मैटिफाइंग प्राइमर, ठीक है, तो हाइड्रेटिंग प्राइमर के साथ भी यूज़ करेंगे. टिल देन इंतज़ार फरमाइए. जनाब तो अनबॉक्सिंग वीडियो और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो मैं बना रही थी 24 दिसंबर को, जो मुझे आधे में छोड़नी पड़ी अनाव्यक की वजह से. तो साथ ही साथ मैं ये तमाम प्रोडक्ट्स यूज़ करती रही हूँ. आज है 8 फरवरी, तो आज मैं ये वीडियो अपलोड भी करूँगी और आपको बता रही हूँ कि इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो आपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेना है. अगर आपकी स्किन ड्राई डिहाइड्रेटेड है तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये फाउंडेशन, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तब भी आप ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. निर्वाना बोटैनिक्स का मैंने व्हिप्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, ठीक है, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया. सेकेंड स्टेप है, आपने बहुत ही हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ करना है. मैं यहाँ पर हाफ फेस पे लगा रही हूँ आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कि दोनों साइड्स पे क्या डिफरेंस होगा. फिर मैंने फाउंडेशन ली मरियम परवेज़ की ग्लास स्किन और डॉट डॉट करके मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई की. फटाफट ब्लेंड करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लंबी हो जाती है वीडियो, फिर तुम देखते नहीं हो. अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, कवरेज भी अच्छी है, लाइक लाइट टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपको ग्लो प्रोवाइड करता है. ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है क्योंकि कोरियन ग्लास स्किन टेक्निक है, तो उनकी फाउंडेशन भी ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं होती अगर हम उस टेक्निक को मद्देनज़र रखें तो. अब ऑयली स्किन गर्ल्स वालों ने क्या करना है, आपने हर हाल में पाउडर यूज़ करना है. एक साइड पे मैं आपको पाउडर अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ठीक है. अच्छे से पाउडर अप्लाई करके अपने फेस को कर लेना है सेट. इससे क्या होगा, आपकी फाउंडेशन हो जाएगी ट्रांसफ़र प्रूफ, क्योंकि ये फाउंडेशन ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है. अच्छा, मुझे इससे कोई एलर्जी, इचिंग या कोई पिंपल्स बम्स वगैरह नहीं निकले. यहाँ पर मैं रिंग लाइट में भी आपको इफ़ेक्ट दिखा रही हूँ कि काफ़ी स्मूथ, काफ़ी ग्लोई और काफ़ी नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन है एंड सुपर डुपर लाइट वेट, चाहे वो आपने सेट की हो या ना की हो, डिपेंड्स ऑन द पाउडर जो आप इसके ऊपर लगाओगे. पाउडर लगा रहे हो तो थोड़ा सा लगा लो, ठीक है, ज़्यादा थोपो मत वरना थोड़ा सा हैवी फील होगा. फाइनल वर्डिक्ट, आपको फाउंडेशन लेनी चाहिए या नहीं. येस, यू कैन गेट इट. अगर आपको बहुत ही ड्यूई ग्लोई फाउंडेशन पसंद है, नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन पसंद है, गेट इट. येस, इट इज़ अ बिट प्राइजी, लेकिन पाकिस्तान में यू नो इम्पोर्ट और कस्टम्स से क्लियर होगी चीज़ एक्सपेंसिव ही पड़ती है. स्टार्टअप ब्रांड्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए. थर्ड, द फाउंडेशन इज़ सुपर लाइट वेट. फोर्थ, कवरेज बहुत अच्छी है, इट इज़ लाइट टू मीडियम कवरेज. फाइव, ऑक्सीडाइज नहीं होती. सिक्स, लॉन्ग लास्टिंग है. सो आई रियली 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 लाइक द फैक्ट, बहुत ही लाइट वेट, मतलब कि आपको फील नहीं होता दैट यू आर वेयरिंग समथिंग. एंड येस, द लिपस्टिक इज़ बाय खाइस, एंड ये मैंने पिंक कलेक्शन में से, पैशनेट पिंक में से, चांगुल कलर जो है अपने लिप्स पर अप्लाई किया हुआ है. नीचे मैं लिंक मेंशन कर दूंगी इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज लिक्विड लिपस्टिक्स. bomb.com, सुपर लाइट वेट, सुपर मॉइस्चराइजिंग एंड कमाल के शेड्स. अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, भाई जाओ मरियम परवेज़ नू बोलो कि पैसे भेजे. वो मेरी दोस्त है, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद है वो पसंद है, वो मैं यहाँ पर डट के बोलूँगी भाई दिस इज़ गुड, लेकिन जो चीज़ बुरी है वो निशु के पेज पे नज़र नहीं आएगी. सो द फाउंडेशन इज़ रियली गुड. अच्छा जी, तो आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, लेकिन फाउंडेशन बहुत बहुत अच्छी लग रही है आज. देखो यहाँ पर ड्राई हुई हुई है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चिपटी हुई है, बट बुरी नहीं लग रही, ठीक है. And like I was not expecting that ke itni achhi lagegi ye foundation, but pretty impressive.